ते अशुर को फाल्गुनी बहन कहता है। इनके बाजू में खड़ा हूँ, इनसे ज्यादा बहन तो मैं लग रहा हूँ। तुम्हें पता है एक बार ना बपीदा का कच्चा उड़ के सड़क में गिर गया। फिर क्या, आज उसी टेंट के नीचे सर्कस चलता है। आप मच्छी बहुत ज्यादा खाते हैं क्या? तो ऐसा क्यों कहते हैं जैसे कि कांटा अटका हो यहाँ पर? जिस जमाने में मोबाइल भी नहीं थे तब से सेल्फी जैसा मुंह लेके घूम रहे सर। यहाँ कक्कर इतनी से तो हुई थी, उसके अब्बा ने उसको खोल भी रख के दिखाया लोगों को, देखो हमारे यहाँ कुछ हुई है। देखो आम बच्चों को यूं खिलाते हैं, इसको ऐसे खिला देते हैं। जिसका नाम है कॉमेडी नाइट्स बचाओ। भारती, जब से शो शुरू है बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। क्या हुआ? मेरी मां अभी मार्केट जाती है सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी वाला बोलता है मैडम फ्री में लेके जाओ, कहीं आपका बेटा मेरे पे चार पांच पंच ना मार दे। ऐसा डरने लगे हैं लोग। कृष्णा, सेम ये मेरे साथ भी हो रहा है यार। कल घर में दूध वाला आया, ऐसे मुंह ढक के दे रहा था। मम्मी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कहते नहीं बहन जी, मुंह दिखाऊंगा तो बेटी मुंह पे चार पंच मार देगी। खैर भारती, शो तो अभी भी शुरू हुआ है, हम अपनी क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि आज गाना बजाने वाले आने वाले हैं। अच्छा अच्छा हाँ, और जो यहाँ पर आने वाले उनमें से दो तो पक्का सेलिब्रिटीज हैं। हाँ, बहुत बड़े। आइए देखते हैं। नाम बप्पी लहरी उर्फ चलती फिरती ज्वेलरी की दुकान, काम सोना खरीदना और पार्ट टाइम सिंगर भी है। उम्र अभी भी जवान है, मैंने सुना है तारीफ करने से सोने की चैन दे देते हैं। उदित नारायण जी, हपीदा और मदन गोपाल जी के लिए, फाल्गुनी पाठक जी के लिए। क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है तीन राजवाड़ी थाली और साथ में एक फिंगर बोल। हमारी नेहा कक्कर। वैसे ना मैं ये लड़कियों को देखती हूँ ना, मुझे खुशी बिल्कुल नहीं, गुस्सा आ जाता है। क्योंकि मैं चाइनीज चीजें छोड़ चुकी होती हूँ, ये बार बार इसके बाल देख के नूडल्स खाने का मन करता है। अरे वाह भाई, नूडल्स। खैर हमारी नेहा कुक्कड़ जी। नेहा कक्कड़ नहीं, कुक्कड़ जितनी तो है। मैं ऑडियंस बता दूं, स्टेज के ऊपर आओगे नीचे देख के चलना, अगर कहीं है पैरों में आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है भैया। वैसे एक बात बोलूं, आप चारों खड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे लगता है ये फर्स्ट आए, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फेल हो गई बेचारे। बराबर से काटा है पूरा। वैसे थैंक यू सो मच बप्पी दा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरा ड्रेस आज फट गया था, इनका रुमाल गिरा, मैंने ड्रेस बना लिया। खैर बप्पी दा, मैं ही जानना चाहता हूँ कि आप म्यूजिक कब बनाते हैं? क्योंकि आप सुबह उठते होंगे तो गहने पहनते पहनते शाम हो जाती होगी, और फिर थक के फिर सोना भी होता है, फिर गहने उतारने भी होते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सोना का जो है जी, एक मेरा पहचान हो गया जी। ऐसा किस्सा होता है जैसे न्यूयॉर्क में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर सोना अंदर रखे तो बोलता बप्पी लहरी नहीं है। आपका सोना कहाँ है? मतलब सोना अंदर है, इधर वो रिस्की है, गन पॉइंट पे ले जाएगा सब। और मेरा जो है हर चीज बहुत कॉस्टली है, ऑल द ऑर्नामेंट्स इज वेरी हैवी। कौन सी वाली वैनिटी में आप मुझे बता दीजिए, पैकअप के बाद।
खैर उदित नारायण जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। 35 से ज्यादा लैंग्वेज में गा चुके हैं उदित सर, गाने में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता भैया। मैं वाकई में ऑडियंस कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जब गाते हैं ना, अरे सर 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 सर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी फाल्गुन मैम, कि कृष्णा से आप थोड़ा दूर रहना और तुम भी इनके पास मत जाना। ये इतना ठरकी है ना, इतना ठरकी है ना, आपसे ज्यादा बात कर रहा था, मुझे कह रहा था प्लीज तू ना थोड़ा हट जाए, मैं फाल्गुनी जी के साथ खड़े होऊंगा। अरे उनको लाइन मत मार, पूरा देश उनको फाल्गुनी बहन कहता है ना, और तू लाइने मार रहा है उनपे। एक मिनट, ये देखो इनके बाजू में खड़ा हूं, इनसे ज्यादा बहन तो मैं लग रहा हूं। अरे चल ना बस कर, चले हम जरा। दादा आपके गाने के बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। बप्पी दा का गाना होना चाहिए कि नहीं? तो चलिए दोनों चीजें एक साथ कर लेते हैं। कुर्सी की एंट्री के लिए सर एक गाना हो जाए। टा 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 बचाओ। दिस इज सुपर हिट शो। तो भारती जी, हम सबसे पहले सिंहासन पे किसको बिठाएं? पपिडा इनको और अंकल को छोड़ो, फाल्गुनी जी को। खैर भारती जी, इनको सिंहासन पे बिठाने से पहले हम चाहते हैं कि आप जाएं और अपनी तैयारी करें, ताकि इनकी शान में आप चार चांद फाड़ें। बिल्कुल, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट बना के रखा, कभी भी कोई गोली छोड़ सकता है। मैं आती सर। जोरदार तालियां हो जाए भप्पी दा और मदनपुरी फाल्गुनी पाठक जी के लिए। आइए दादा। भप्पी दा आप तैयार हैं? क्योंकि ये जो जोड़ी यहां पर आने वाली है, सबके मुंह से निकलवाती है बचाओ। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। बहुत अच्छा हूँ सर। मुंह तो ठीक कर लीजिए, कैसा अच्छा है। सर आपको क्यों लगता है कि सर सर ऐसे करूंगा? ऐसे लगता है मुंह सीधा करूंगा तो मूछें गिर जाएंगी। सर एक बार मुंह सीधा करके देखिए, मूछें नहीं गिरेंगी। वैसे एक बात बोलूं, दिल से बोल रही हूँ, आज हमने कॉमेडी नाइट बचाओ में 3 सिंगर और एक नेहा कक्कड़ बुलाई है। ये क्या हुआ? कैसी है? हालो रे हालो। कैसे हैं? मजे में। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं, ऐसा कहना पड़ता ना गेस्ट आते हैं। वरना से मुंह पे कौन कहेगा कि मैं नहीं जानती इनको। वैसे एक बात बोलूं, लड़के लड़कियों को देख के सीटी मारते हैं, इनको भी देख के लड़के सीटी मारते, कहते आ जाओ वो चली गई, आ जाओ। ये पहली लड़की है जो ब्यूटी पार्लर में जाती है, सामने से पूछते हैं हाँ जी सर कटिंग के दाढ़ी बनाएंगे। लेकिन गुजराती बेन, ओए होए गुजराती क्या तरक्की की है। ओह बहुत शार्प है, बहुत शार्प है वो ब्लेड जिससे ये शेव करती है। जोरदार तालियां भोपूदा के लिए, बप्पीदा के लिए। बप्पीदा, म्यूजिक जगत में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एआर रहमान, शेखर और ये अपने अनु मलिक जी, लेकिन जो वैरायटी बप्पीदा की चैनों में है ना, किसी में नहीं है। क्या अलग अलग चैन पहनी है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैं पैदा हुई थी ना, मैं ऐसे कर रही थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरा अगर कोई पति होगा तो बप्पीदा जैसा। बप्पीदा एक बार दूर से मुझे ऐसे करके आशीर्वाद दे दो। लव
लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, अब हमारा शो देखना कहाँ से कहाँ जाएगा? बप्पीदा, नासा वाले आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, कहती यार ऊपर से देखते हैं जमीन के नीचे सोने की खदान तो होती है, सोने की खदान धरती पे चलती पहली बार देखी। क्या बात? भारती, चार चार नए एलईडी बल्ब लगाए? ए, अरे सुपरस्टार आए हमारे शो में। अरे कैसे उदित जी, नमस्ते। हाय नेहा, कैसी हैं फाल्गुनी जी? यार तूने बताया नहीं जयपुर की महारानी भी बुलाई है। अरे वो बप्पीदा है, उनको गहने पहनने का शौक है, बहुत सोना पहनते हैं। एक बार हमारे बप्पीदा गहने पहन के अपने अपने बेटे को कहते हैं हम सड़क पे खड़ा रहेगा, हमको धूप सेकना है। ये सड़क पे खड़े थे, औरतें आगे चैने देखने लग गई, हार देखने लग गई, चूड़ियां देखने लग गई, ये चल पड़े डर की, कहती हाय दुकान चल पड़ी। तुझे बड़ा पता है बप्पीदा के बारे में? अरे क्लोज फ्रेंड है, फैमिली रिलेशन है, तुम्हें पता है? सब पता है मुझे बप्पीदा के बारे में। एक बार अपने बरामदे में ऐसे करके सोए थे, इनके घर गेस्ट आ गए, इनकी वाइफ से नाराज हो गए, कहते भाभी आपसे बात नहीं करते, आपने घर में शादी रखी है? कहते नहीं तो, कहते फिर 30 किलो आटा क्यों गूंधा हुआ है? अकेले म्यूजिक डायरेक्टर है जो हर वक्त नगारा और तबला साथ में रखते, कभी मूड बन जाता है बंदे का प्यार भी न चैन का हारे। क्या बात है? तुम्हें पता है एक बार ना बप्पीदा का कच्चा उड़ के सड़क में गिर गया। फिर क्या, आज उसी टेंट के नीचे सर्कस चलता है। बाकियों के बारे में बात कर लो। अरे करते तो है, तुमने कहा नेहा आई है, कितने लोग आए हैं। इनको देख के पता क्या लगता है? क्या? कि छोटी बच्ची अपने 3 चाचाओं को शूटिंग दिखाने लाई है। एक नहीं, नहीं, एक बेटे, 3 नहीं, 2 चाचा 1 फाल्गुनी। अरे यार क्या करते हो यार, बताना चाहिए ना। वैसे ना एक बात बोलूं, मैं लोग आप ही थी ना वो लोकन वाला में ना, मैं पर्स खरीदी थी, ये भी पर्स लेने आई थी, दुकानदार कहता भाई साहब भाभी के लिए पर्स खरीदा जा रहा, झगड़ा चल रहा है लगता है। पता है कौन है वो? ध्यान से देख कौन है। कौन है? क्या बात है, याद आ गया। देखा अपनी फालतूनी पाठन जी का ना अंदाज ही अलग है। फालतूनी नहीं, फाल्गुनी। नहीं नहीं, फाल्गुनी तो साल के 9 दिन ना, मतलब 9 दिन नवरात्रि पे, बाकी पूरा साल फालतूनी। क्या बात है, वाओ। नहीं नहीं, टैलेंटेड तो बहुत है, कटिंग देखो। इतनी टैलेंट है, ये कटिंग क्यों है? इनका भी दिल करता है लंबे बाल रखूं, क्योंकि 9 दिन गाती है ना, अगले दिन गलत हो जाता, फिर लोग बाल पकड़ लेते, निकल जाती फटाफट। बेचारी नेहा फंस जाती है। नेहा भागने लगती, लोग हाथ ही डालते हैं, चल रुक। देख तू नेहा के बारे में कुछ मत बोल प्लीज। यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पता है कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कभी गूगल पे डाल के देखियो नेहा, 1500 वीडियो आते हैं नेहा धूपिया के। अच्छा। लेकिन ये बंदी की मैं भी बड़ी फैन हूँ, अभी हमें डायरेक्टर है ना, इनकी फ्रेंड है, सेल्फी खिंचाती है। डायरेक्टर पूछ रहे थे और बता नेहा इस बार तेरी हाइट कितनी, बोलती 4.5 फीट विद फैमिली। मेरे को एक बात बता, ये इतने बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, डेट्स का इशू नहीं हुआ था इनके? अरे किसी की डेट्स नहीं मिल रही थी, पता बप्पीदा की डेट्स ना मिले, फाल्गुनी जी की ना मिले, नेहा की ना मिले। और उदित जी? ये तो उनके घर जाके डेट ले रहे थे, कह रहे भाई डेट दे दो मैं भी टीवी पे आऊंगा। लेकिन देखो फाल्गुनी जी को देखो, किसके साथ शक्ल मिलती है याद दिला। हमारे देश की सबसे महान ऑफिसर किरण बेदी। लेकिन ना शक्ल तो मिलती अच्छी बात है, पहले निकल जाती लाइन में लगना नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान भी बहुत है। क्या? अपने लिए गहने लेने जाती है ना, ज्वेलर भाग जाते, कहते हाय रेट पड़ की मैडम आ गए। मतलब फाल्गुनी जी बहुत टैलेंटेड है, बाकी सब भी कितने टैलेंटेड है ना। बप्पीदा सुपर टैलेंटेड, तुम्हें पता कस के बेल्ट बांध लेना तो 8 बन के घूमते हैं। बड़ी फैन है, बहुत बोल रही है तू, अजाजा हो गया बहुत। बप्पीदा का बहुत आज तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है? वो सर वो दिल से दिल, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला और प्यार कर ले। अरे सर हमारा कोई कसूर नहीं है, राइटर डायरेक्टर होते ना ये लोग लिख कर देते हैं, क्योंकि ये लोग मेरा नेचर जानते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं मुझे कोई डर नहीं, मैं किसी के बाप से नहीं डरती सर।
मजा आया उदित जी? मजा आ गया और मजा आ रहा है। सर 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 अभी देखते रहिए क्या क्या होने वाला है सर। और आप क्या कहना चाहेंगे अफजल भाई? सॉरी फाल फाल्गुनी मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आज? मैं भी कमाल हंसने वाला हूँ। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। आज तक मैंने सिर्फ टीवी पे देख के एंजॉय किया है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम लाइव एंजॉय कर बहुत मजा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक बप्पी जी, बच्चे हैं आपके, कुछ कहा सुना माफ कीजिएगा। सबसे बड़ी जो बात है, हाँ जी, कॉमेडी में सब कुछ। क्या बात है, ये बात हुई दादा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये आपने बात आज दादा ने बोल दिया, खत्म खत्म। तो दादा आपने बोल ही दिया है, तो पता है आप और फाल्गुनी मैम बैठे हैं तो कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है कुंदन लाल अपनी ज्वेलरी की दुकान खोल के बैठा हो। चिकना चिकना बोलते थे, दाढ़ी रख के आ गया। अब और एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे बेटा। खैर उदित जी, ऐसे लड़के आप देख रहे हैं, बॉडी सारा दिन बॉडी बनाते रहते हैं, इतनी बॉडी बनाते हैं लड़के लोग कि कभी इनकी पैंट इधर से उतारेंगे ना तो हिप्स पे 14 एब्स होंगे इनके यहाँ पे। सर इनसे अगर एब्स के बारे में बात करो ना तो वहां पे भी मामा के एब्स दिखाता है। बेटा तेरे को जो बोलना है बोल ले, पहले गले से चप्पल तो निकाल ले। फाल्गुनी मैम, मैं चाहती हूँ कि आप एक डांडिया वाला गाना हो जाए जिसमें मैं क्या सब नाचेंगे। हाँ होना बनता। फाल्गुनी मैम थैंक यू। बप्पी दा, फाल्गुनी जी, मजा आपकी स्माइल से लग रहा है कि आपको बहुत आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा आपको रेस्ट देंगे, तो आप दोनों इधर आ जाइए और सर 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 और आप दोनों इधर आ जाइए। फाल्गुनी जी, म्यूजिक के बारे में आपको क्या पूछे, क्योंकि आप तो म्यूजिक के भगवान है, तो आपको पता है गुरु और शिष्य में क्या संबंध होता है, वही बताने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शकील और श्रुति का। भेज दो, कितनी भी बेसुरी होगी मैं चला लूंगा। हाँ भेज दो भेज दो, बड़े बदतमीज लोग। अरे नहीं उदित जी, अरे क्या सर क्या बात है, कितने बड़े सिंगर हैं, 60 साल के हो गए आज, तालियां बजाओ। अरे झूठ बोल रहे हैं, 60 साल के देखो। अच्छा आपको लगता मैं 60 साल का हूँ? नहीं नहीं, आपने मेंटेन किया हुआ है सर। मैं 25 साल का हूँ। हाँ रातें निकाल के। 25 years old man। उम्र चोर है, गाना चोर नहीं है। गाना अपना गाया, अपने मुंह से अपना गाना गाया है। अपने काम से बहुत सेंसियर है, लोग गाने के लिए क्या क्या करते हैं, ये बेचारे देखो सुबह उठते हैं हारमोनियम निकालते हैं, 4 घंटे आंख बंद करके नींद पूरी कर लेते हैं। घर वाले समझ रहे रियाज कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या मेहनती आदमी है खुदा। अरे साथ में ये कौन है, क्या नेहा कक्कर, जितना का देना नाम उस हिसाब से रख ना बस।
खुदा की कसम बहुत मेहनती बच्ची है, देखो इतना भारी माइक उठा लेती थकती भी नहीं है। घर में कोई है? अरे घर में ही है मेरे। देखिए मैं ना गाना सीखने आई हूँ। अच्छा। मेरे उस्ताद वो, अरे उदित जी आप मुझे गाना सिखाएंगे? हट, उनको खुद मैंने सिखाया है। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। मतलब है घर में एक सोफा तो 6 घंटे कैसे बैठते हैं, ये सिखाया है। अरे वो देखो कौन आया है। अरे भारती कैसी हो गई तू? भारती नहीं है। कौन को आप? बप्पी दा। बप्पी दा है। क्या बात है, लगता कोई सांप डस गया, पूरे नीले पड़ गए। जहाँ बैठते ना वहाँ खड्डा पड़ जाता है, बच्चा पानी डाल के स्विमिंग करता है फिर बाद में। एक दफा दरिया पे नहाने गए ये, इनको हल्की सी प्यास लगी, इन्होंने हल्का सा यूं किया, सब लोग कीचड़ में तैर रहे हैं। हाँ कह रहे पानी पानी यही था, कहाँ गया? ये तो अपने शादी में कंफ्यूज थे इनके लोग। क्यों? कि भाभी कौन सी है, दोनों ने जेवर पहने हुए थे। अच्छा बप्पी दा के बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे ना उदित जी से ही सीखना है। ऐसा भोला चेहरा ला, भोले आदमी, मासूम आदमी, बहुत 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 मासूम है। पता ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में अपने डब्बे से मुंह निकाल के ना पिछले डब्बे से कर हमसे आगे निकल के दिखाओ। वैसे एक बात बताऊं, हाँ। ये जितने भोले हैं ना इनसे भी ज्यादा भोला इनका बेटा है आदित्य। वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा सिंगर भी है, अच्छा बच्चा भी है। मैंने उससे पूछा पापा क्या करते हैं, कह रहा पता नहीं मैं तो रात को जल्दी सो जाता हूँ। इनके साथ साथ बैठिए ना, तो है छोटी सी और सिमट के बैठ गई है। अरे पर ये क्या सिंगर है, पता है इसका जवाब नहीं, वाकई इसका जवाब नहीं। इससे किसी ने पूछा तू कहाँ पैदा हुई, मतलब मैं वहाँ पैदा हुई जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल कहाँ से पैदा, इतनी से तो हुई थी। इसके अब्बा ने इसको खुल भी रख के दिखाया लोगों को, देखो हमारे यहाँ कुछ हुई है, देखो 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 देखो, दो दफा चील से ही बचाया आज। खुश खुश खुश, आम बच्चों को यूं खिलाते हैं, इसको ऐसे खिलाते थे। अबे लोगों को रजाई में बच्चों को सुलाते ना, इसको चॉकलेट के पन्नी बांधते थे, चॉकलेट खाली मुंडी बाहर रखते थे, दम ना घुट जाए। देखिए आप सब जानते हैं हमारे शो का फॉर्मेट कैसा है। वैसे हमारे दिलों में आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी नफरत है। भागो, आज पैदल चलते हैं। क्यों? वो कौन सा भाग सकते हैं, आ जा। कैसे लगे हमारे जहरीले शकील सिद्दीकी? चाट के मर जा। इतने जहरीले आदमी है उदित जी, ये शहनाई बजाते ना वो भी नीली पड़ जाती है। श्रुति आपको पता है ये पहली औरत है जो मोहन जोदड़ो की खुदाई में टकली निकली थी, बाद में खुदाई करके बाल लगाए इसने। शकील जी और श्रुति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उदित सर गड्डी लीजिए सर, और इधर आ जाइए सर। अच्छा नहीं नहीं आप तो मैं हूँ अभी तो। हाय हाय, मतलब तुम तो मेरी बात लगाने ही वाले हो। थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं हम। फाल्गुनी जी आप डांडिया लेके इधर आ जाइए। नेहा के लिए कुर्सी पूरा 2 BHK है देखिए। फाल्गुनी मैम मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। हाँ अभी कम आया, अभी और आएगा। आपको पता है घर की बातें किसी को नहीं पता, लेकिन आप दोनों की घर की बातें हमारे लोगों को पता है। Really? पता कौन है वो? कौन? प्लीज वेलकम मुबीन एंड अनीता। ठुकराओ 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 बिके प्यार करो मैं नशे में उर्र। क्या देख रहे हो, कभी कोई हैंडसम बेवड़ा नहीं देखा क्या? Oh my God, उदित सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर क्या गाना गाया था आपने, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। सर आपका गाना सुन के मैंने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। आज वो कहीं भी जाते ना लोग उनको देख के बोलते हैं, वो देखो बेवड़े का बाप जा रहा है। सॉरी फाल्गुनी जी मैंने आपके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। नहीं लेकिन अब बोलूंगा,
अगर ये ना थ्रेडिंग नहीं करवाती ना 3 महीना तो बॉलीवुड से ना इनके पास रिश्ते आने लगते हीरोइनों के। वैसे आप सोच रहे होंगे मेरे को इनके बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम, क्योंकि मैं पहले इनका ड्राइवर था। मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता था ना, मैं साहब बोलूं कि मैम साहब बोलूं कि मैम साहब बोलूं। मेरे को लगता है दुनिया की सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली फिल्म कौन सी बनेगी आपको मालूम है, जिसमें टाइगर श्रॉफ के अपोजिट होंगे। लोग बोलेंगे हीरो ये, नहीं नहीं ये हीरो ये, नहीं नहीं ये। अरे इतना ज्यादा कंफ्यूज करते हैं मालूम है, अगर ये जुहू बीच पे होली वाले दिन भी चले जाए ना तो लोग उधर डांडिया खेलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अरे फाल्गुनी जी लगता है नवरात्रि आ गया। वैसे क्या बात है, बड़े बड़े स्टार के बीच में छोटे छोटे स्टार भी बैठे हैं। नहीं नहीं मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आप भी बहुत टैलेंटेड पता है मेरे को, मैं तो कद की बात कर रहा था। मालूम है इतनी छोटी है ना, अगर चाय के कप में इनका बिस्किट टूट के गिर जाता है ना तो कप में कुदी मार के बिस्किट निकाल लेती है। न्यूज़ वाले पहुंच गए, पहुंच गए हैं न्यूज़ वाले। आज हम करेंगे बात मशहूर सिंगर के ड्राइवर से जो धरने पर बैठे हैं। ए, मशहूर सिंगर का ड्राइवर नहीं हूं मैं, नया कक्कर का ड्राइवर हूँ। अरे मेरा पेमेंट रोक के रखा है इन्होंने, इसीलिए मैं धरना देने आया हूँ। पर मैंने तो हमेशा सुना है कि वो खुद ही गाड़ी चलाती हैं। नहीं नहीं वो खाली स्टेयरिंग पे बैठती हैं, नीचे बैठ के एक्सेलेटर और ब्रेक तो मैं ही दबाता हूँ ना हाथों से, क्योंकि इनकी टांगें तो पहुंचती नहीं है। हाँ लेकिन पता है बहुत मजा आता है इनके साथ, कभी कभी मस्ती के मूड में रहती ना तो बोलती हूँ मिरर के पास जो किचन होता ना बोलती मैं इसमें लटक जाती हूँ। बहुत मस्ती करती है। एक बार मैंने ना एसी फुल कर दिया गाड़ी का, सीधा फ्रंट सीट से उड़ के डिक्की से टकराई। सनसनीखेज खबर पहली बार हमारे चैनल पर। ए काय की सनसनीखेज, मजाक कर रहा हूँ मैं, कॉमेडी शो है। मजाक मजाक में ड्राइवर ने बोला सच, बताइए वो रहती कहाँ है। अरे कहाँ रहती है क्या है, घर में नहीं रहती हूँ, इनके पास ना डबल सिम वाला मोबाइल है, एक स्लॉट में सिम रखती है दूसरे में खुद रहती है। और तो मालूम इतनी छुट्टी नहीं है, ऐसा कुत्ता खड़ा रहता है ना दौड़ते दौड़ते उसके नीचे से निकल जाती है। एक दिन तो बकरी को देख के बोली थी मम्मा सफेद ऊंट। इतनी क्यूट है, इतना क्यूटली हंस रही है, देखो ना बिल्कुल बच्चों की तरह। सिर्फ क्यूट दिखती है बच्चों की तरह, गाने सारे एडल्ट वाले गाती है। सेकंड हैंड जवानी, बोतल खोल के कुंडी ना खटकाओ राजा। अरे कुंडी कैसे खटकाएंगे, हाथ तो पहुंचते ही नहीं है ना। नेहा जी आप पे इतने आरोप लगा रहा है, आपका पंजाबी खून खोल नहीं रहा। अरे मेरा पंजाबी खून खोल रहा है, इसलिए रेडी लगी है ना मैंने। क्या पंजाबी खून खोल रहा है, पंजाब में जो शगुन का लड्डू होता है ना वो भी आपसे बड़ा होता है। वैसे मेरे को शगुन से याद आया, एक बार ना इनकी ऐसी छोटी सी एंगेजमेंट हो रही थी, हाँ। जैसे ही लड़के ने रिंग आगे बढ़ाई ना, रिंग के बीच में से कूदी मार के स्टंट दिखाने लगी। चलिए उनके बाजू में फाल्गुनी जी बैठी हैं, उनके बारे में भी कुछ हो जाए। अरे नहीं नहीं क्या बोलूं, मैं 15 साल से देख रहा हूँ आप दोनों को, बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं बदले, एक की हाइट नहीं बढ़ रही, एक के बाल नहीं बढ़ रहे। लेकिन लेकिन पता है फाल्गुनी जी का ना एक बहुत ही कॉमेडी किस्सा है, ये चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है ना तो चॉपस्टिक से नहीं खाती है, डांडिया से खाती है। ये नड़ा मिड़वा गई थी मोर रे सैया, मिड़वा गई थी। इतने बड़े बड़े स्टार्स के बारे में ऐसी बातें करूं तो मैं डर नहीं लग रहा। नहीं नहीं डरने की क्या बात है, मैं सिक्योरिटी साथ में लेकर घूमता हूँ अपनी। हाँ अभी फोन कर लेता हूँ। हेलो सिक्योरिटी सुनो, आज तुम लोग 2 घंटा लेट आना, क्योंकि आज मैंने दारू पिया है, 2 घंटे तक कोई असर नहीं होगा मेरे को मार का। हाँ 2 घंटा असर नहीं होने वाला, अभी मैं पीछे जाता हूँ मार खाने की तैयारी करने के लिए। ओके बाय। आप कैसे इनको माइक फेंक के मारेंगी या डांडिये से? नहीं, बहुत अच्छा लगा हूँ ना, आपने मेरी इज्जत कर दी, इज्जत बढ़ा दी यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटी दीदी आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया। ये है ही बहुत भोले, बता ये वाला भगवान को ना बच्चे बनाने का आइडिया इन्हीं को देख कर आया था। और मोटे बनाने का आइडिया हम दोनों को देख के आया था।
और मुझे बनाने का आइडिया उदित जी को देख गया। कहते कोई तो ऐसे संभाल के रखेगा। और हमारे मुबीन जी कब से मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन देखिए आज भी इतने सालों बाद बहुत फ्रेशनेस होती है इनकी ब्रेड में जो सुबह देने आते मेरे घर। खैर जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी बेटी गाना ना गाए ऐसा हो नहीं सकता। नेहा आइए और दो लाइनें हो जाएं। वैसे हम लोगों को और मजा आता अगर क्या गाया वो समझ आता। जोरदार तालियां। एक्चुअली म्यूजिक लाउड था तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट दें आपको। प्लीज आप भी बैठिए। थैंक यू फाल्गुनी मैम, आइए आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए। और अगले हैं तू हमारा शिकार ओ आई लव यू उदित। आइए सर। उदित जी आपने इतने सारे लाइव शोज किए हैं लेकिन अब जो आपके पास शोज की ऑफर आने वाली है वो कुछ अलग है जी। वही बताने आ रहे हैं कृष्णा सुदेश और हमारे इस शो की सबसे खूबसूरत लड़की अदा। चैन चुराती आज हीरो ने चैन चुराया है। अपना तो 10 साल का खाना पीना हो गया भप्पीदा की चैन आगे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए थे पिछले एपिसोड में। बहुत मजा आया था लेकिन आज उससे बड़े दिग्गज आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अरे हमारे भप्पीदा ने क्या काम किया यार बाहुबली में। देखा अरे थे वो सोने की मूर्ति बन के खड़े थे पिक्चर में। मैं बताऊं भप्पीदा हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। आज से 6 साल पहले यही नीली ड्रेस पहन के भप्पीदा हॉलीवुड गए थे। जेम्स कैमरॉन ने इनको देखा और अवतार का आइडिया उनको इन्हीं को देख कर आया। बोले मैं ऐसे ही नीले रंग का एलियन बनाऊंगा। लेकिन एक मिनट, आप लोगों को भप्पीदा की शादी की बात तो सुननी पड़ेगी। इनकी जब सगाई हुई ना इन्होंने लड़की की उंगली में रिंग डाली, लड़की ने अपना कड़ा निकाला और इनकी उंगली में डाल दी। वाह नेहा कक्कड़ के लिए जोरदार तालियां। अरे भाई छोटा मोटा मत समझना, बहुत बड़ा कारोबार है इनका बाल इधर उधर करने का। जब बाल इधर करती है वाला कंधा दुखता है फिर उठा के इधर कर लेती है, फिर ये वाला कंधा दुखता है फिर उठा के इधर कर लेती।
मैं पता है इसके बारे में बातें ही नहीं बन रही थी, कुछ करो यार, कॉन्ट्रोवर्सी करो, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ पीछे जाके सुदेश जी की पप्पी ले लो। कम से कम मैं मार्केट में न्यूज तो फैलाऊंगा, नेहा ने की बुढ़े की मदद। मजाक वजाक से अपनी जगह द लेजेंडरी उदित नारायण जी के लिए जोरदार तालियां होंगी। मैं बहुत सालों से जानता हूं, अरे मुझे पता है इस आदमी ने यहां तक आने के लिए कितनी मेहनत की है। अरे आसान नहीं होता बोरीवली से ट्रेन पकड़ना, फिर मेट्रो बदलना, फिर ऑटो से इधर तक आना, छोटी बात नहीं है भाई। एक बार हम दोनों साथ में करेंगे। सर 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 मजा आ गया सर। सर 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 उदित जी एक मुझे बात बताइए, मतलब आप मच्छी बहुत ज्यादा खाते हैं क्या? तो ऐसा क्यों कहते हैं जैसे कि कांटा अटका हो यहाँ पे। सर 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 अरे तू अपने आप को सोशल साइट पे बहुत एक्टिव मानती है ना, अरे हमारे उदित जी को देख, जिस जमाने में मोबाइल भी नहीं थे तब से सेल्फी जैसा मुंह लेके घूम रहे। क्या बात है सर, वाह वाह। खैर मेरा बहुत मन कर रहा है मैं उदित जी से बहुत सारी बातें करूं और मुझे उनको शो के लिए भी बुक करना है, तो उदित जी को हम स्टेज पे बुला ही लेते हैं, है कि नहीं? उदित जी क्या गाना गाया सर ये, लेकिन आप ये बीच में कुंफू कराटे क्यों करते रहते? सर 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 ये मेरा स्टाइल है। वाह 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 वाह। सबसे पहले मैं कलर्स वालों को कॉमेडी नाइट्स बचाओ की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, जोरदार ताली। क्या बात, इन लोगों ने मेरा इतना मान किया है, इतना रिस्पेक्ट दिया है मुझे, चैनल वालों ने मुझे आप यकीन नहीं करेंगे खाना भी पूछा, मुझे चाय भी पूछी। चलो पूछी है दी नहीं कोई बात नहीं। उदित जी आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने पुराने हैं, बहुत पुराने चावल हैं, यहाँ पर जो नए नए बच्चे लोग हैं इनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा जो सिंगर बैठे हैं कि कभी डरना नहीं, कभी हार से नहीं डरना, अरिजीत तो चलता ही रहता है। एक मिनट, अरिजीत नहीं हार जीत तो चलती रहती है। हमें पता है आजकल कौन चल रहा है। खैर सर जी आप हमारे मेहमान हैं, खाने पीने को आइसक्रीम लेंगे सर? नहीं नहीं हम सिंगर हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है जेब का। कोई आइसक्रीम बहुत महंगी होगी, हमें पता है 12 साल ही पहले खाई थी। तो हम तो तालियों से ही काम चला लेते हैं, तालियां। बात बताइए ये ऐसा मतलब हुआ कैसे? क्या? ये गाना? नहीं नहीं गाना नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आजकल के जो शिष्य हैं इज्जत नहीं करते गुरुओं की, हमारे टाइम पे गुरुओं की रिस्पेक्ट करते थे। मैं अपने गुरु को बोलता था कहीं भी आपको कोई मेरे में गलती लगे तो मुंह पे बोलो, उन्होंने इतना मुंह पे बोला गलती जैसा मुंह हो गया। सर ऐसा क्या क्यों बोल रहे हैं सर, फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या सोचेंगे सर? सब बड़े बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूँ सबकी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम झूठा आदमी। क्या? हाँ झूठा आदमी। क्या किया सर? मैंने कहा मेरे को कभी याद नहीं किया, अंकित को कर रहे हो, सबको कर रहे हो, और मुझे कहता है कि आजकल गाने गाने हैं तो चेंज लाओ चेंज। मैं 500 का चेंज लेके आया फिर भी मेरा गाना नहीं कराया। और मेरे पैसे भी चुरा लिए उसने। एक मिनट आप इतना नींद में क्यों लग रहे हो सर? कल रिकॉर्डिंग थी नए गाने की, नया गाना फिल्म में आ रहा है। अच्छा अच्छा। 4 बजे तक रात को रिकॉर्डिंग चलती रही, फिर मैं 3 बजे आके सोया।
एक मिनट 4 बजे तक रिकॉर्डिंग चली, 3 बजे कैसे सोए आप? अभी मैं अरिजीत की रिकॉर्डिंग ही थोड़ी देखता रहूंगा स्टूडियो में बैठ मैं अपना भी कोई होता। इतना प्यार करते हैं आप अरिजीत से? नहीं, प्यार प्यारों से मुझे लालच दिया पाव चाय का। मैं कहा चलो एक मिनट एक्चुअली क्या है, बच्चे सीख रहे हैं, कहते गुरुजी आप सामने बैठो, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आप जैसा कोई नहीं बन सकता सर, क्योंकि 6 महीने तक कौन ऐसे रहेगा? वाह 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 सर जी, आपने इतने सारे गाने किए लाइफ में, मतलब हजारों लाखों शो किए होंगे, कोई ऐसा शो आपको जो याद हो? अभी लुधियाना में शो किया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। क्यों? मुझे पेमेंट मिल गई वहां पे। नहीं तो नहीं, गलत ना समझो, आजकल लोग सिर्फ ट्रॉफी देके सम्मानित ही कर रहे हैं, पेमेंट कोई कोई देता है। अरे पेमेंट हम देंगे सर आपको, मैं शो बुक करवाने के लिए आया हूँ। अरे वाह वाह। एक्चुअली फाल्गुनी जी को पहले साइन करने के लिए गया था, अरे आधा घंटा बात हुई, मैंने बोला फाल्गुनी जी शो करना ही है करना ही है, कहते मैं माली हूँ, फाल्गुनी जी तो अंदर है। फिर मैंने बोला तूने फाल्गुनी जी के कपड़े क्यों पहने हैं, कहते मैंने उनके नहीं पहने, वो मेरे पहन के जाती है शो पे। बोलने का भी देखिए, आप लोगों का शो है, आप बातें कर सकते हैं, लेकिन हम सबके फैन हैं और ये अपने बप्पी दा जी, इनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। सही बात है। मैं इनका गाना बड़ा प्यारा लाइने ऊ लाला गाना चाहता हूँ। अरे गाइए सर बिल्कुल। तू मेरी फैंटसी है, फैंटसी है तू। तू मेरी फैंटसी है, फैंटसी है तू। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। उलाला उला। सर आपके साथ नशा है गाने में। और ये सर आपके साथ हम शो पे नेहा कुकड़ जी को भी लेना चाहते हैं। अरे उसको ऐसे मत बोलो। नेहा, नेहा के बारे में यही कहूंगा, अभी हम अमेरिका का टूर करके आए हैं। अच्छा, इतनी शोर लोगों ने मेरे पे नहीं बजाया जब मैं स्टेज पे था, जितना इसके लिए। लोग सब कह रहे थे खड़ी होके गा, खड़ी होके गा। बहुत प्यारी बच्ची है। क्या बात है। इसका गाना आज बहुत हिट हुआ है, लाइनों की वजह। गाना तो कोई भी गा लेगा, लेकिन लिखा जो पारिवारिक लाइनें हैं, कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ, बड़ा अच्छा लिखा है। कुंडी ना खड़का ओ राजा। मैं चाहूंगा एक बार मेरे साथ नेहा। कुंडी ना खड़का ओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। क्या बात है, क्या? कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मुड़ बना ताजा। सर 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 सर। कुंडी ना खड़काओ राजा। जीते रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा आप कमाती रहो, हमको थोड़ा देती रहो, हम फ्री हैं। ये है मेरी मैनेजर अदा, इससे मिलो। हेलो कैसी हैं आप? अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे आप ही ने बोला मिलो, हम ऐसे मिलते हैं। ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, 10,000 तनख्वाह पे रखा है इसने मुझे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। अरे मरती रहो मरती रहो। एक बात बताओ, आज फिर नशा करके आई हो? हैं? नहीं, मुझे सर सर क्यों बोल रही हो? मेरे सर बहुत मजाकिया है। हाँ तो तुम भी कर लिया करो, टिकी रहोगी शो में। अरे आपको पता है, हमारे सर को बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। अरे कहाँ पे? बस बारिश आ रही थी, तैरता हुआ हमारी कपाट के नीचे से निकला, हमने ले लिया। मिल जाता है। ये बताइए शो पे आप क्या क्या करने वाले हैं? देखो हम कर तो बहुत लेते हैं, बस शो मिल जाए एक बार। आजकल शो में हम बहुत वैरायटी देनी पड़ती है। वैरायटी चाहिए सर? हाँ मैं देता हूँ, आप लोग बैठो।
मैं आप लोग को एक जादू दिखाऊं, बहुत जादू दिखाए ना इन्होंने ये सब करके। आप लोग शेव करने में कितना टाइम लगाते हैं? 5 मिनट, 4 मिनट? मैं 3 सेकंड में शेव करके दिखाता हूँ। ये देखो मिरेकल, आप सब लोग मिरेकल हैं। पूरी दुनिया आप लोगों के दीवाने हैं। हम लोग भी सोचते थे टीवी पे तो देखते आ रहे हैं, मजा आ रहा है, कभी हम भी आए, लेकिन आज ये मौका मिल गया और देख के और आप सबके साथ मजा आया। वाह वाह सर। उदित जी, लेकिन जाने से पहले एक लाइन हो जाए। बाबूजी हमेशा कहते हैं कि एक हाथ लो और एक हाथ दो। जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों सुपरस्टार्स के लिए। मैं एक ही बात कहूंगा, अब तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं धीरे धीरे आपका मुंह चेंज कर लीजिए। भारती, मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। बहुत ऑसम लग रही हूँ एक्चुअली। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसे जो लड़कियाँ होती है ना, उनके जो पति होते हैं ना, सुहागरात पे वो बाहर एम्बुलेंस बुला के रखते हैं। पूछो क्यों? क्यों दीदी? क्योंकि ये कभी भी पप्पी लेके पति को मार सकती है। उदित जी, आप नहीं कुछ कहेंगे किसी के बारे में? मैं निकला गड्डी लेके। गड्डी लेके तो आप लोग निकलते हैं और सबको धो डालते हैं। सुदेश जी, आप तो उदित नारायण बन के आए, लेकिन आपको अपनी शक्ल तो देखनी चाहिए। किसी भी पार्टी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप चले जाते हैं, उसके बाद भी लोग कहते हैं अरे कुर्सी लेके आ। क्या बात है, क्या बात है। जितने भी टेंशन्स, स्ट्रेस, परेशानियां रहती हैं, ये शो देखने के बाद हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फाल्गुनी मैम, इतनी इज्जत हमें कोई शो में नहीं मिली। ये मैं भी बोलना चाहता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम था, इतना इज्जत जो भारती ने किया है, उसके लिए मैं दाद देना चाहता हूँ। फैंटास्टिक। सुदेश जी, कसम से सुदेश जी, आप कॉमेडियन कम और भोजपुरी गानों में जो ढोलक बजाते हैं ना, वैसे ज्यादा लगते हैं। और कृष्णा, ज्यादा खुश मत हो। यू नो व्हाट, जब भी मैं शोज में जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनको देख के आपकी बड़ी याद आती है। कौन कौन? क्या बात, जो मेरे बाउंसर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल आपके जैसे हैं। देखा देखा, छोटी पिन भी बड़ी चुभती है भैया। But what awesome fun! I think you guys are fabulous, and I think this show deserves to be the best show ever. क्या बात?
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.